जिले के इंद्रलोक इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी, 6 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, राहत का काम जारी। सुबह 8:30 बजे की घटना, 3 मंजिला इमारत में रहते थे 8 परिवार। मलबे से अब तक निकाले गए 8 लोग, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस मौके पर राहत कार्य में जुटी। मलबे से निकाले गए सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, कई लोगों की हालत गंभीर। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका, 10 फीट ऊंचा है मलबा। चीन ने फिर की गुस्ताखी, जारी किया विवादास्पद नक्शा, नए नक्शे में अरुणाचल को दिखाया चीन का हिस्सा। चीन के विवादास्पद नक्शे में कश्मीर का कुछ हिस्सा भी चीन में दिखाया गया, अरुणाचल और कश्मीर है भारत का भिन्न हिस्सा। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की यात्रा के दौरान चीन ने जारी किया नया नक्शा, फिर सीमा विवाद को दिया जन्म। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्विपक्षीय वार्ता के साथ पंचशील समझौते की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में लेंगे हिस्सा। आरएसएस प्रवक्ता राम माधव ने कहा, चीन हमेशा पंचशील समझौते की उपेक्षा की है, पूरा अरुणाचल है भारत का हिस्सा। मंत्री को नसीहत और नौकरशाहों पर नकेल के बाद अब पीएम मोदी ने सूरजकुंड में लगाई बीजेपी के नए सांसदों की पाठशाला। मोदी की पाठशाला में बीजेपी के 195 नए सांसद शामिल, इनमें से 170 लोकसभा सांसद हैं जबकि 25 राज्यसभा सांसद। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में 2 दिनों तक चलेगी बीजेपी नए सांसदों की पाठशाला, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के साथ शामिल हुए कई सीनियर बीजेपी नेता। सूरजकुंड में सांसदों को शुरुआती दीक्षा देंगे मोदी, आडवाणी सिखाएंगे आखिरी सबक। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिलाकर 150 से 225 के करीब सांसद उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करेंगे। मोदी की इस पाठशाला में सांसदों को संसद, सरकार और संगठन का पढ़ाया जाएगा पाठ, सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार का भी बताया जाएगा नुस्खा। इस मीटिंग के दौरान मीडिया को लेकर भी होगा चैप्टर, नए सांसदों को बताया जाएगा कि किस तरह से पत्रकारों से करें बात। वोटर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने के गुर सिखाएंगे वेंकैया नायडू, सांसदों को अधिकारों की जानकारी देंगे अरुण जेटली। पाठशाला के सभी स्टूडेंट्स यानी बीजेपी सांसद कल शाम ही पहुंच गए सूरजकुंड, हरियाणा बीजेपी ने इसके लिए किए हैं खास इंतजाम। सूरजकुंड के 3 होटल्स में बुक कराए गए करीब 100 कमरे, सुरक्षा के भी किए गए हैं खास इंतजाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सिर से हटी तलवार, सूत्रों के हवाले से खबर, नहीं बदले जाएंगे पृथ्वीराज चव्हाण। महाराष्ट्र, हरियाणा और असम के मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर कांग्रेस में चल रहा था मंथन, फिलहाल महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम को मिला जीवनदान। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों जगहों पर विकल्पों के अभाव में हुआ फैसला, चुनाव में कम वक्त को देखते हुए भी मुख्यमंत्री नाम बदलने पर लगी मुहर। कांग्रेस की हार को लेकर एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में आज है महाराष्ट्र का नंबर, बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली में है चव्हाण। हार पर चर्चा के लिए बुलाए गए हैं 3 प्रमुख नेता, सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे भी होंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के आरोपी पंकज त्रिवेदी ने लिया सुरेश सोनी का नाम, मचा हंगामा, विज्ञान भारती के समारोह में आज नागपुर पहुंचे सुरेश सोनी, व्यापम मामले पर थामी चुप्पी। पंकज त्रिवेदी ने लिया 5 लोगों का नाम, बयान के मुताबिक पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा था सुरेश सोनी का आदमी है मिहिर। घोटाले के एक और आरोपी ने लिया के एस सुदर्शन का भी नाम, संघ के पूर्व प्रमुख है सेवादार, बताया जा रहा है मिहिर।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दो टूक, बोले कानून अपना काम करेगा, उन्हें नहीं किसी बात का डर। सर एक स्ट्रेट क्वेश्चन करेगी, ये व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे, उसके खिलाफ उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। व्यापम घोटाले में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी उठी है उंगली। शिवराज सिंह चौहान का आरोपों से इनकार, आरोप लगाने वालों पर दर्ज कराया मानहानि का मामला। कार्रवाई करने का काम कर रहा हूं, लेकिन ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है वो इस तरह के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस का आरोप, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी की थी 15 संविदा शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश। 2013 से घोटाले की जांच कर रही है एसटीएफ, 2008 से सभी परीक्षाओं की होगी जांच। यूपी के अलीगढ़ में छर्रा में मां बेटी पर डाला गया तेजाब, वारदात के वक्त घर में सोई थी मां और बेटी। पीड़ित के परिजनों ने गांव के ही महिपाल नाम के शख्स पर लगाया आरोप, कहा उधार दिए 65,000 रुपए वापस मांगने पर डाला तेजाब। तेजाब से मां बेटी बुरी तरह झुलसी, अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। वारदात के बाद 20 साल की लड़की की हालत नाजुक, जल्द ही होने वाली थी शादी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की तफ्तीश, आरोपी महिपाल फरार। व्यापम घोटाले को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस, भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री निवास घेरने की कोशिश की, पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, कांग्रेस नेता सत्यदेव कटारे बेहोश, आईसीयू में भर्ती। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज, कई कांग्रेसियों को भी किया गया गिरफ्तार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह को दी क्लीन चिट, बोले हाईकोर्ट की हो रही है जांच। इराक में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने तेज की मुहिम, फारस की खाड़ी में भेजा जा रहा है युद्धपोत। आपदा प्रबंधन समिति के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला, बैठक में मौजूद रहे तीनों सेनाओं के प्रमुख। मोसुल में 39 भारतीयों को आईएस के आतंकियों ने बनाया है बंधक। टिकरेट में केरल की 46 नर्सों को आतंकियों से खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने धरने पर बैठे छात्रों को हटाया गया। यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी माध्यम के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे थे ये छात्र। हमें ये प्रॉब्लम नहीं, हम फैमिलियर नहीं है इंग्लिश के साथ, वी आर, बट सोचो जिनका बैकग्राउंड 6 स्टैंडर्ड से इंग्लिश में शुरू हुआ, तो उनको कैसे इतनी इंग्लिश अच्छी आएगी कि हम लोग उनका कंपैरिजन कर लें जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। और इसका सबूत ये है कि इस बार का जो रिजल्ट आया है 1122 में से सिर्फ 26 बच्चे हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हुए, जिसमें से 1 से 100 के बीच में एक भी नहीं है। तुगलक रोक थाने के बाहर कल से ही धरने पर बैठे थे छात्र, प्रधानमंत्री से मिलने की कर रहे थे मांग, सुबह सुबह पुलिस ने धरने से हटाया। 2011 तक हिंदी मीडियम या प्लस अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ग्राफ 50% के अराउंड होता था, उसके बाद से ये ग्राफ बिल्कुल डिटेरियोरेट कम होता चला गया, तो इस बार बिल्कुल 2.5 से 3% ही लोग हिंदी प्लस अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म करने की है छात्रों की मांग, अभी तक नहीं मिला कोई सरकार का नुमाइंदा। हाल ही में जारी हुए यूपीएससी परिणामों में कुल 1122 छात्र हुए थे क्वालिफाई, जिसमें हिंदी माध्यम के कुल 26 उम्मीदवार ही हुए पास। यूपीएससी के प्रतियोगियों ने दिल्ली के राजघाट पर भी कल किया प्रदर्शन, अंग्रेजी को बढ़ावा देने पर जताया विरोध। फूड सिक्योरिटी बिल पर बोले खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कहा ममता चाहती है 6 माह के लिए बढ़ाई जाए सब्सिडी।
पासवान ने कहा गरीबों के लिए बना फूड सिक्योरिटी बिल पूरे देश में होगा लागू, 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है सब्सिडी। सिक्योरिटी एक्ट है तो आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट गरीब के लिए बनाया गया है और उसमें हर गरीब परिवार को, हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो जो है अनाज प्रति माह मिलने का प्रावधान है। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको जो है 3 महीना के लिए और बढ़ाया। यूजीसी के आगे झुका डीयू, 3 साल का कोर्स लागू करने को तैयार, 4 साल का कोर्स हुआ रद्द। और कैंपस में 8 फैकल्टी के बाहर छात्रों ने मनाया जश्न, 3 साल का कोर्स लागू होने का किया स्वागत। बीटेक के छात्रों ने यूजीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, कहा अगर 3 साल का हुआ बीटेक तो व्यापक स्तर पर होगा विरोध। 12 प्रिंसिपल्स की कमेटी बनाई गई, डीयू में दाखिले को लेकर परेशानी को सुलझाएगी कमेटी। डीयू में एडमिशन शुरू करने को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, तुरंत एडमिशन शुरू करने की मांग। छात्र संगठन आईसा ने की डीयू के वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग, कहा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। डीयू और यूजीसी में झगड़े को लेकर मानव संसाधन मंत्री ने नहीं तोड़ी चुप्पी, कहा संविधान तोड़ने का डाला जा रहा है दबाव, पता है अपनी मर्यादा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन से सीबीआई ने की पूछताछ, अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में दागे सवाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागालैंड के राज्यपाल डॉक्टर अश्विनी कुमार का इस्तीफा मंजूर किया, मेघालय के राज्यपाल के पॉल को दिया अतिरिक्त प्रभार। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर बाढ़ की चपेट में, असम के 5 जिले कामरूप, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर और उदालगुड़ी जिले बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ के चलते शहरों में घुसा पानी, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ से 25,000 लोग प्रभावित, 10,000 लोगों ने ली राहत शिविरों में शरण। बैंगलोर में एक महिला के साथ ऑटो ड्राइवर ने की बदतमीजी, ज्यादा किराए का विरोध करने पर दिया धक्का।